कपड़े देखें। अरे चले आगे, ये भी यहाँ की कदीम, वो क्या कहते हैं, काफ़ी पुरानी ऑल्ड वर्ल्ड। भाई ख्याल करना, वीडियो के चक्कर में नीचे नहीं उतर जाऊं, मेरा तो फोकस वीडियो पे है, पकड़ लेना। अनीश भाई वो देखे नीचे भी तोपे लगी हुई हैं। अनीश भाई जंप करें यहाँ से, कुछ नहीं होगा अगर आ जाए, चारों हाथ पकड़ के जंप करते हैं। हैदराबाद तो पहले ही दिल लगा हुआ है, वहाँ पे तो जाना चाहते हैं। हालत ऐसी हो जाएगी, चलो कुछ दिन हैदराबाद में गुजारेंगे, सुकून मिलेगा। एक तो हम गांव वाले लोग हैं, नीचे की तरह। ओ यहाँ से भाई वो वाली हमारी रिजॉर्ट को ये देखें व्यूअर्स, देखें बताएं कितनी ऊंचाई होगी। देखें ओ ये तोप का मुंह बाहर निकला हुआ है। चलें जी आगे दिखाएं, ये देखें। ये देखें मस्जिद, लोगों के घर बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़। चलते हैं, हमें तो खुद भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। सुफियान भाई ये किस चीज़ के रूम बने हुए हैं जो हैं ये भाईजान? ये कहते हैं कि ये वेटिंग रूम थे। अच्छा जी, तो इनके गेस्ट वगैरह आते थे। अच्छा, तो किसी को वेट करवाना होता था तो अगर उन्होंने, जो किले के सरबराह होते थे उन्होंने, अगर उनसे मिलना होता था तो उनको यहाँ पर बिठाया जाता था वेटिंग के लिए। अच्छा, फिर वो यहाँ पर आके उनसे मिलते थे, तो अच्छा, ये इसलिए बनाया गया हुआ है। ये ना रिपेयरिंग दोबारा। और वो क्या चीज़ है वो सामने? या उसके बारे में कोई ख़ास पता नहीं है, लेकिन वो भी आई थिंक वेटिंग रूम का जो किचन वगैरह है शायद उसमें बना हुआ है। उसमें आता है कि यहाँ पे जो उनके गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको खाना वाना या उनका किचन वगैरह के टाइप बना हुआ है, और ये इनकी रिपेयर होती रहती है। अच्छा, और ये अभी भी रिपेयर हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने से मतलब पता चल रहा है कि ये बहुत पुरानी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत पुराना किला है। अच्छा, आप कह रहे थे कि इसके ऊपर चढ़ना है, तो आशे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है आप यहाँ के माली रहे हैं पहले। हाँ जी, आपको सब लोकेशन के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि किसके ऊपर कहाँ से चढ़ना है। यहाँ से आप इजी से होके दीवार पे आ सकते हैं, वहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप होते हुए इजी इसके ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, अगर आने वाला हो तो। अनीश भाई आप क्या? नहीं, आप जूता उतार दें। अच्छा, मेरा ख्याल इनका नक्शा आपने तो नहीं रेडी करवाया था? कुछ ज़्यादा बड़ी छोड़ दी भाई, ज़्यादा नहीं। नहीं 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 ज़्यादा नहीं है। हम लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने देखा था यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे। अच्छा, वैसे वो इस बात में भी कोई शक नहीं है, जो भाई हमारे साथ हैं इनकी 50-55 साल एज है शायद, ये आए हों जब किला यहाँ पे था, बल्कि लोग थे तो तभी आए भी हों, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इनकी एज ही 50 से ऊपर है। हम तो छोटे छोटे बच्चे 18-18 साल के, हमारी तो एज ही इतनी सी है। तो आप तो फीट करते हो अभी, छोटे से हो, बिल्कुल छोटे से हो। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कोई चीज़ नज़र आती कर ही लेते हैं। फिलहाल तो कोई दे ही नहीं रहा फीड करने के लिए।
ये जो इनकी जगह है ये फांसी, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, वहाँ से आ जाए। चले आगे जाके दिखाते हैं, वहाँ से दिखाते हैं भाई। फ्रंट में जूम नहीं हो रहा, छोड़ दे, अब तो लाजमी करना है। चले तो उस तरफ से दिखाते हैं आपको आगे जाके कि वो क्या चीज़ है सामने। अच्छा तो सुफियान भाई रुकें, ये देखें ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं, आपको तो नॉलेज होगी। फांसी घाट है। अच्छा मतलब कि यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जाती थी उसके लिए है। और वो जो सामने आपको नजर आ रहा होगा कोने में, अच्छा ये जो बना हुआ है, जी हाँ वो उनका वो काल कोठरी जेल वो अच्छा। वो थी और यहाँ पे सजाएं दी जाती थी। जी जी जी, ये जो है इसके पूरे के अंदर जो है नीचे सारे के सारे रूम बने हुए। अच्छा जी, तो इनके अंदर उनकी अपनी अलग अलग रूम थे, अलग अलग जगह पे, उस साइड पे इधर और यहाँ पे भी नीचे भी। ये ऊपर अच्छा। दीवार बनाई हुई है, छत भी है अच्छा। और अंदर इनके जो है ना वो कमरे हैं, वो इनके उनकी खुद की रिहाइश होती थी, खुद अच्छा। रहते थे और इनके जो बाकी साथी थे वो भी रहते थे। अच्छा, जैसे आपको बड़ी नॉलेज है इन सब के बारे में, हमें तो वैसे आप पुराने लोग हैं, आपको तो नॉलेज हो भी होगी भी, हम तो न्यू जनरेशन है, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं भी है। चलते हैं आगे, आगे जाके भी आपको दिखाते हैं, देखें, चलते हैं आगे।